नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11 होम साइंस चैप्टर 3, जिसका नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता। देखिए, ये चैप्टर 1 है, सॉरी पार्ट 1 है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, ऑलरेडी चैप्टर 2 के 3 पार्ट हमने बनाए हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। आज जो तीसरा चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके एग्जाम के लिए। तो इसके पहले पार्ट में हम आप सभी को इसके सबसे महत्वपूर्ण और न्यू सिलेबस के पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, टॉपिक है, वो हमारा कहता है भोजन, पोषण तथा पोषक तत्व। तो सबसे पहले हम भोजन के बारे में जान लेते हैं कि भोजन हमारा क्या होता है, भोजन किसे कहते हैं, भोजन से आप क्या समझते हैं। भोजन को इंग्लिश में फूड कहा जाता है। फूड का मतलब खाना भी होता है, भोजन भी होता है। वह सभी तरल, तरल मतलब द्रव वाला पदार्थ। तरल का कहने का मतलब है नींबू पानी का शरबत भी हो सकता है, चाय भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, घी भी हो सकता है। और ठोस, रोटी, चावल, सब्जी, जिन्हें मनुष्य खाता है, मनुष्य भोजन के रूप में लेता है। तो मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो भोजन के रूप में या तो द्रव्य लेता है या तरल लेता है। यह सॉफ्ट चीजें भी आती है, जैसे बहुत कुछ होता है। तो ये सारी चीजें जो आप खाते हो और खाने के बाद आपका शरीर इसे एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और इस ऑब्जॉर्ब किए हुए चीजों से निकला हुआ जो मेन पॉइंट होता है, जैसे में कैल्शियम, आपको विटामिन, खनिज, आयरन इत्यादि, हमारे शरीर के अंगों को प्रॉपर तरीके से काम करने में मदद करता है। यदि आप भोजन नहीं करते हो तो क्या होगा, आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो ऐसा क्या है भोजन में कि आपके शरीर में कमजोरी आ गई? तो भोजन के माध्यम से ही तो हमारे शरीर को शक्ति मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो भोजन कैसे आप डिफाइन करोगे? वह सभी तरल और ठोस पदार्थ जिसे मनुष्य खाता है भोजन के रूप में, और अपने पाचन प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित करके उससे अपने शरीर के विभिन्न कार्यों के ऊर्जा के रूप में काम करता है। अपने शरीर से वो उस ऊर्जा को खींच के अपने शरीर को मजबूत बनाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं वह ठोस अथवा द्रव पदार्थ जो निगलने, निगलने मतलब घोटने, घोटने बिहारी शब्द है। इसके अलावा निगलना जो है बड़ा फैशनेबल शब्द है, ज्यादातर लोगों को समझ में आता है। ऐसे तो हमारे यहाँ गिलना भी कहते हैं, गिलना, निगलना, घोटना। तो ये सारी चीजें जो गले के माध्यम से, अपने मुंह के माध्यम से गले में डालकर पेट के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, वो ठोस या द्रव पदार्थ दोनों हो सकता है। तो निकलने के बाद अगला प्रक्रिया क्या होता है? पचाने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद अवशोषित होने के पश्चात शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, हमें आयरन देता है, हमें कैल्शियम देता है, हमें विटामिन देता है, हमें मिनरल्स देता है, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो एक शरीर को जरूरी होता है अपने दैनिक कार्य को करने के। तो ये सभी क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। भोजन हमारे जीवन की मूल आवश्यकता है, मेन प्रॉपर चीज ऐसा है भोजन जिसके बिना इंसान का शरीर बेकार हो जाएगा, मनुष्य का शरीर बेकार हो जाएगा, वो किसी भी कार्य का काम का नहीं रह पाएगा, वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो ये तो हमारा भोजन था। अब हम आपको बता दें कि भोजन के कार्य क्या है। अगर भोजन जरूरी है, भोजन आप समझ गए होंगे कि भोजन किसे कहते हैं, तो भोजन हमारे शरीर के लिए कौन कौन से कार्य को करता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है भोजन के कार्य में, वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति देता है हमारे शरीर को। मनुष्य का शरीर कभी निष्क्रिय नहीं होता, मतलब कभी भी बिल्कुल निष्क्रिय तभी होता है जब वो मर जाता है, लेकिन जब तक जिंदा है इंसान तब तक वो निष्क्रिय नहीं होता, मतलब आराम अवस्था में नहीं होता है। तो कैसे? तो देखिए, कुछ चीजें तो प्रत्यक्ष है और कुछ चीजें अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष रूप से जिसे हम देख सकते हैं, जैसे भी कोई इंसान चल रहा है, खा रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, हम तो देख रहे हैं कि हाँ भाई ये काम कर रहा है, तो हम तो यही कहेंगे ना कि भाई वो काम कर रहा है। लेकिन अब इंसान अगर सोया हुआ है तो आपको तो यही लगेगा ना कि वो कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी वो सांस ले रहा है, फिर भी वो सांस ले रहा है, उसके पेट में उसका भोजन पच रहा है। तो ये सारे अप्रत्यक्ष रूप से उसके कार्य को दर्शाते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं निरंतर होती रहती है। यहाँ की सोते समय दिल धड़कता रहता है, दिल को धड़कना बंद नहीं होता, अगर धड़कना बंद हो गया तो समझिए आपका राम नाम सत्य हो चुका है। सांस चलती रहती है, पाचन क्रियाएं चलती रहती है। इन सभी क्रियाओं के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें कार्बोद और वसा जैसे पोषक तत्वों के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसे हम भोजन द्वारा ही प्राप्त करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य भोजन के माध्यम से होता है। भोजन जो है वो हमारे शरीर को एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है।
कभी कभी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भी इंसान काम करता रहता है। प्रत्यक्ष रूप से आप वही सभी उन सभी कार्यों को कह सकते हैं जो आपको दिखाई देता है कि कोई इंसान कुछ कर रहा है तो वो आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि वो प्रत्यक्ष काम कर रहा है। लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष रूप भी आता है जिसमें कि वो सोया रहे तो उसका पेट का पाचन प्रक्रिया चालू रहती है, उसका दिल का धड़कन चालू रहता है, उसके सांस लेने की प्रक्रिया चालू रहती है। तो ये सारी चीजें जो है वो अप्रत्यक्ष है, और इन सभी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा हमें इन्हीं भोजनों से प्राप्त होता है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा है शरीर का निर्माण एवं विकास करना। अगर सही तरीके से आपको भोजन नहीं मिल रहा है ना, अगर आप संतुलित आहार नहीं खा रहे हो ना, यदि आप आयरन विटामिन कैल्शियम प्रोटीन वाली चीजें नहीं खा रहे हो ना, तो आप कुपोषित हो जाओगे, आपका शरीर खराब हो जाएगा, आप विकास नहीं कर पाओगे, लड़कियां प्रजनन नहीं कर पाएगी, लड़के का विकास नहीं हो पाएगा, लड़के भी प्रजनन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भोजन ही एकमात्र ऐसा साधन है जो किशोरा अवस्था में यदि सही तरीके से प्राप्त न हो तो इंसान का विकास ही नहीं हो पाएगा। अब देखिए, अगर इंसान का विकास नहीं होता है तो किसी भी काम का नहीं रह पाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, भोजन से हमें सभी तत्व मिलते हैं। तत्व कहने का मतलब क्या है कि वो सारी चीजें जो एक शरीर को मजबूत निर्माण करने में, विकास करने में, गठीला बनने में, हमारे हार्मोन्स को बनाने में सहायता प्रदान करता है भोजन ही, जिससे नए तंतुओं का निर्माण, टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत, शारीरिक वृद्धि संभव होती है। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं कि नए तंतुओं का निर्माण। अब नए तंतुओं का निर्माण का मतलब ये है कि अब एक बच्चा जो था, अब वो 12 साल से 16 साल के मतलब कि किशोरावस्था में आ गया, तो उसके बॉडी में कुछ तो अंतर होगा। अब उसके मूछें आ रही है, उसका सीना चौड़ा हो रहा है, मर्दों वाला गठीला बदन हो रहा है, तो इसमें नए नए कोशिकाएं बनते हैं, नए नए तंतु बनते रहते हैं। अब नए नए चीजों के निर्माण के लिए हमें क्या करना होगा, उसे उसी तरह का भोजन देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल है तेल, तेल निकालने वाला एक मशीन है। तो तेल निकालने वाले मशीन में आपको या तो बिजली देना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो मशीन चलेगा, या फिर आप पेट्रोल डाल लो या फिर डीजल डाल लो। ऐसा तो नहीं है कि मशीन में जाके सर को डाला, मशीन कर 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 चालू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसमें भोजन के रूप में कुछ ना कुछ ऊर्जा देना ही पड़ेगा। आपका कभी शरीर में कट फट हो जाता है, घाव वगैरह हो जाता है, तो वह स्वतः ठीक हो जाता है। छोटे छोटे अगर कभी जल गए, लड़कियों के किचन में अक्सर जलते रहते हैं रोटी वगैरह बनाने में, चावल वगैरह बनाने में, अगर हाथ वगैरह जल गया तो क्या करते हो, आप पहुंच जाओगे एम्स, एम्स चले जाओगे, कहोगे भर्ती कर लो आईसीयू में, हमारा हाथ में पोका हो गया है। नहीं, वो तंतु जो आपके खत्म हुए हैं वो तंतु स्वतः ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप भोजन में उन तमाम चीजों को ग्रहण कर रहे हो, उन तमाम चीजों को खा रहे हो जो एक शरीर को स्वतः संतुलित करने में, सही करने में, शक्ति प्रदान करने में मदद करता है। भोजन से प्राप्त प्रोटीन, खनिज, लवण और जल, जल होगा यहाँ पे, जल के नहीं होगा, जल होगा, जल के माध्यम से होता है। जो भी हम भोजन में जल, दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, हम हरी सब्जी खाते हैं, हम और भी बहुत सारे फल फूल खाते हैं, इससे हमारे शरीर में ये सारी चीजें प्राप्त होती है। शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाएं प्रोटीन से ही निर्मित होती है, मतलब प्रोटीन से बनता है शरीर की अलग अलग कोशिकाएं। लोहा जो है, जिसे आयरन कहते हैं, वो खून के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज लवण, ये हमारे दांत को और हड्डी को मजबूत करने में काम करता है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं ना कि भोजन एक ऐसा माध्यम है जिससे इंसान के शरीर के अलग अलग दांत, हड्डी, अस्थि, मांस, विकास होना, कटा फटा मजबूत होना, ये सारी चीजें किस पर निर्भर करता है, तो भोजन पे ही निर्भर करता है। अगर आपका शरीर में भोजन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, शरीर खराब हो जाएगा। कैल्शियम की कमी है, हड्डी कमजोर, प्रोटीन की कमी है, ग्रोथ नहीं करोगे, विटामिन की कमी है, आंख खराब हो जाएगा, बेरी बेरी का रोग हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, एनेमिया हो जाएगा। ये सारी चीजें क्यों होता है, भोजन में सही चीज प्राप्त नहीं होने से। अगला पॉइंट हमारा कहता है रोगों से शरीर की रक्षा करना। शरीर में बहुत तरह के रोग ऐसे होते हैं जो स्वतः होते हैं और उसके बाद स्वतः ही वो ठीक भी हो जाते हैं। तो रोगों से शरीर की रक्षा भी करता है भोजन। रोगों से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो हमें भोजन से ही प्राप्त होता है। बीमारी में भी भोजन में उपस्थित पोषक तत्व तो हमें जल्दी ठीक कर देते हैं। आप अगर कभी सर्दी वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर कहता है ना गर्म चीजें खाओ,
विटामिन सी खाओ, संतरा खाओ, नींबू खाओ, आंवला खाओ, क्योंकि उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन सी से आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हाल फिलहाल में कोरोना हुआ था ना, कोरोना में लोग क्या कह रहा था, आंवला खाओ, मुलेठी खाओ, संतरा खाओ, फल फूल खाओ। क्यों? इससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा। आप अगर जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हो, आपको बहुत जल्दी जल्दी सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। आपको कुछ ऐसे संतुलित आहार की जरूरत है जिससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। जैसे कि कैल्शियम की अगर बात कर ले, फास्फोरस की बात कर ले, विटामिन डी की बात कर ले, शरीर की प्रक्रियाओं में नियमित रूप से चलाने में ये काम आता है। ये चीजें हमें चाहिए ही चाहिए और ये रिक्तस जैसे रोग से हमें बचाते हैं। लेकिन रिक्तस के अलावा बेरी बेरी है, आंखों की रोशनी कम होना है, एनीमिया है, ये सारी चीजें इन सब कारणों से होता है। अगर हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में संतुलित आहार जा रहा है तो हमें इन सभी चीजों से बचाव हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य। देखिए, प्रत्येक मनुष्य कुछ भावात्मक आवश्यकताएं होती है, जैसे कि सुरक्षा, प्रेम, आदर, सत्कार। इन भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी भोजन एक माध्यम है। आपके शरीर में जान ही नहीं है तो आप क्या घंटा किसी से प्यार करोगे? आप किसी से रक्षा कैसे कर पाओगे? आप किसी को रक्षा कैसे दे पाओगे? आप समाज में खड़े होकर चार लोगों से कैसे बात कर पाओ? सिंपल सी बात है, आपका शरीर मजबूत है ना, तभी आपको लड़के भी पसंद करेंगे और लड़कियां भी पसंद। किसी के रक्षा में आप काम आ सकते हो, किसी के सपोर्ट में काम आ सकते हो, किसी के सहयोग में काम आ सकते हो। लेकिन अगर आपका शरीर कमजोर है तो आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखिए, भोजन जो है वो मानसिक संतोष एवं सुरक्षा का भाव प्रदान करता है। एक खाना ही ऐसा है। अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर सुबह में मैंने कुछ खाना नहीं खाया ना, तो आपको पूरे दिन ना अपने आप कमजोरी जैसा लगे। हालांकि ये होता नहीं है, ये हमारा भाव है, हमारा फीलिंग है कि आज हम भाई खाना नहीं खाए, हमें बहुत कमजोरी है। कभी अगर आप फास्टिंग वगैरह करते हो, हाल फिलहाल में जन्माष्टमी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि जो फास्टिंग करके सोए हुए थे, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कमजोर हो गए, उनको खाना नहीं खाया था ना, तो ये उनकी फीलिंग है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो काफी हट्टे कट्ठे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो है वो आपको समझना है। जैसे कि माँ के द्वारा प्यार में परोसा गया भोजन बच्चे को माँ के प्यार और लगाव का एहसास दिलाता है। आप भोजन कहीं भी कर लो, आपको जो आपकी मम्मी खाना परोस के देगी ना, उसका स्वाद एक अलग होता है। अब देखो, अब घर में मम्मी ने आपको रोटी और सब्जी दिया, वही रोटी सब्जी आपको अब रेस्टोरेंट में मिला। आपको रेस्टोरेंट में भले ही खाना का शौकीन है तो आपको दिखावा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन स्वाद आपको आपके घर के खाना का ही आएगा। तो ये है मनोवैज्ञानिक कार्य। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट में, वो है सामाजिक सांस्कृतिक कार्य। भोजन का अपना ही सामाजिक महत्व है। जो खान पान है, जो भोजन है, उसका सामाजिक महत्व भी है। कैसे? एक साथ बैठ कर खाने से प्यार नजदीकियां बढ़ती है। अगर आप परिवार में एक साथ बैठ कर खाते हो ना, तो आपके घर में नजदीकियां बढ़ेगी। आपसी सामंजस्य जो होता है उसका भावना विकसित होता है। लोग एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े हो जाते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ भोजन करने से पारिवारिक संबंधों की घनिष्ठता मतलब नजदीकियां बढ़ती है। अब गांव में भी आपने देखा होगा, दावत होता है, भोज होता है, उसमें लोग एक साथ पूरे गांव बैठ के खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इससे हमारे गांव के लोग की आपस में मजबूती प्रदान होती है। जैसे दीपावली में, क्रिसमस में, ईद के मौके पर परिवार एवं आस पड़ोस के लोग क्या करते हैं, विशेष अलग अलग तरह के मस्त खाना बनता है उस दिन, और एक दूसरे से आदान प्रदान भी करते हैं। इससे क्या होता है, अपनत्व की भावना जगती है। लोगों को लगता है कि हाँ, इस समाज में रहने वाले लोग भी हमारे अपने लोग हैं। अब हम बात करते हैं पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है। तो देखिए, भोजन में उपस्थित जो खाना हम खाते हैं उसमें जो मौजूद होता है विभिन्न पोषक तत्व, जो शरीर के क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी होता है, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। जो भी हम भोजन करते हैं और भोजन से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है, जो शरीर के आवश्यकताओं के लिए काफी होता है, जरूरी होता है, वही पोषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। वैसे खान पान, वैसे आहार जो आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, पोषण कहलाएगा। वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। मतलब हम अपने मुंह के माध्यम से उसे एब्जॉर्ब करते हैं, पेट में पचाते हैं, उसमें मौजूद सारे महत्वपूर्ण चीजों को हम एब्जॉर्ब करके शरीर के विभिन्न अंगों को भेज देते हैं।
जिससे वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हम जो भी भोजन करते हैं वो हमारे शरीर का पोषण करता है, मतलब पोषता है। आपने सुना होगा, मम्मी कहती है बाल बच्चा को पोषे हैं, पोषे हैं मतलब वो हमको संभाल के रखा है, हमें ऊर्जा दिया है, हमें ज्ञान दिया है। ऐसे ही भोजन जो है वो हमारे शरीर को पोषण देता है, संभाल के रखता है। तो ये पोषण था, शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। और कोई भी खाद्य पदार्थ कब पोषण कहलाता है? देखिए, शरीर को स्वस्थ वगैरह तो बनाए रखता है, लेकिन अगर कोई भी खाद्य पदार्थ है जो हम खाते हैं वो पोषण कब कहलाता है? जब उसमें उपस्थित पोषक तत्व पाचक रसों में घुलकर ग्लूकोज के रूप में आंतों से अवशोषित होकर रक्त में मिल जाए। जो भी चीजें हम भोजन करते हैं वो पेट में जाने के बाद पच जाए, पचने के बाद ग्लूकोज बन जाए, ग्लूकोज बचने के बाद उसे हमारे पेट की जो आंतें हैं वो उसे खींच लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी और शरीर के विभिन्न अंगों में भेज देगी खून के माध्यम से। खाने के पश्चात पाचक रसों में उपस्थित एंजाइम खंडित हो सके, जो भी हम भोजन करते हैं वो सही तरीके से पच जाए, हमारे शरीर में टूट जाए, गल जाए, जल जाए और उससे उससे उत्पन्न जो भी एंजाइम होता है वो हमारे ब्लड में मिल जाए। रक्त में पहुंचने के पश्चात, मतलब खून में पहुंचने के पश्चात, ये एंजाइम जब हमारे खून में पहुंच जाए तो शारीरिक क्रियाओं के लिए उपयोगी हो सके। देखिए, अब खाने के लिए खाद्य पदार्थ तो जहर भी है, जो भी चीजें हम खाते हैं खाद्य पदार्थ है। अब हमने जहर खा लिया, पेट में गया, पच गया, एंजाइम निकला उसका, अतरिया हमारा एब्जॉर्ब किया, खून में मिलाया, शरीर के चारों तरफ भेज दिया, आधे घंटे में फिर क्या होगा? राम राम सत्य है, जहर खा के मस्त है। तो ये खाद्य पदार्थ तो नहीं होगा ना, उपयोगी होगा जो चीज, वही हमारे लिए पोषण कहलाएगा। पेट में पचे भी, ग्लूकोज भी बने, एब्जॉर्ब भी हो, खून में भी मिले और हमारे लिए उपयोगी हो। इतनी सारी कंडीशन अगर उसके साथ होती है तब जाके वो पोषण कहलाएगा। भोजन हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है, जैसे कि पाचन, पहले आप खाते हो तो पचता है, फिर अवशोषित होता है, फिर शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त के माध्यम से, नस के माध्यम से, रक्त के माध्यम से वो सारे एंजाइम पहुंच जाते हैं। भोजन जिस अंश का पाचन एवं अवशोषण नहीं कर पाता वो आपको पता है हमारे मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिसे हम निष्कासित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और इसे ही मल कहा जाता है। मल को आप टॉयलेट, टट्टी, पैखाना, लैट्रिन इत्यादि अलग अलग नामों से जानते हैं। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, साइंस पढ़ रहे हैं तो ऐसे भी आपको घिन आने की जरूरत नहीं। व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा उस भोजन में उपस्थित पोषक और उनकी मात्रा ही व्यक्ति के पोषण स्तर को निर्धारित करती है। जो भी चीजें हम भोजन में करते हैं और भोजन में करने के बाद उसमें उपस्थित जो भी पोषक है उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वही तो पोषक स्तर होता है। व्यक्ति का पोषण स्तर जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन को पोषण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जो भी इंसान पोषक लेता है, पोषण करता है, खाद्य पदार्थ करता है, वो उसे वैज्ञानिक ना पोषण विज्ञान कहते हैं। हम बात करते हैं पोषक तत्व के बारे में, पोषक तत्व क्या होता है, क्योंकि तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भोजन मैंने आपको समझा दिया, पोषण मैंने आपको समझा दिया, अब हम पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। वे सभी रासायनिक घटक, यहाँ पे केमिकल से जुड़ी चीजों के बारे में बात करना है, वे सभी रासायनिक घटक जो भोजन में विद्यमान होते हैं, जिनसे शरीर अपने सभी कार्य करने में सक्षम होता है, पोषक तत्व कहलाता है। सब में थोड़ा सा थोड़ा अंतर आपको दिखेगा। वे सभी रासायनिक घटक जिस जो भोजन में विद्यमान होते हैं, अब रासायनिक घटक का क्या मतलब है? आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, सल्फर है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंसान के शरीर के लिए तो जरूरी होता है ना। आपको तो पता है कि इंसानों के शरीर के लिए सारी चीजें जरूरी होती है। तो ये क्या करता है, ये शरीर अपने सभी कार्य करने में सक्षम हो पाता है क्योंकि ये सारी चीजें उसको मिलता है। हम देख पाते हैं विटामिन ई हमारे में ठीक है, हमारे में खून की कमी नहीं, मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक है, एनीमिया हमको नहीं है, शुगर लेवल नहीं है, मतलब चीनी ज्यादा बढ़ानी है, मेंटेन है। इसका क्या मतलब है? हमने अपने आप को मेंटेन कर रखा है। थोड़ा सा फैट है तो वो फैट क्या है, धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। अब देखिए, तो ये क्या होता है, ये पोषक तत्व कहलाता है। वो तत्व का मतलब क्या होता है? तत्व आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा है ना, आयरन, कैल्शियम, कार्बन, तो ये सारी चीजें तत्व है। और पोषक तत्व का मतलब होता है कि ये सारी चीजें हमारे भोजन के अंदर अगर मौजूद है तो वो पोषक तत्व कहलाए।
भोजन में पोषक तत्व जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। पोषक तत्व भोजन में विद्यमान घटक है, ये हमारे भोजन में ही मौजूद होते हैं। अलग से आपको दुकान में जाके खाद के नहीं कहना पड़ेगा, भैया थोड़ा यूरिया दे देना, थोड़ा सल्फर दे देना, थोड़ा नाइट्रोजन दे देना, आपको ये सब आपको भोजन के माध्यम से ही मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल, रेशा जिसे फाइबर भी शामिल होता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए इन सभी चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। और आपको मैं एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, ये सारी चीजें आपको रटा रटाया होना चाहिए। कहीं भी लिखना शुरू करो तो इन सभी चीजों को अगर लिखना शुरू करोगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल, फाइबर, तो आपके पास 10-15 लाइन ऐसे ही बन जाएंगे लिखने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे भोजन में शामिल होता है जिसे हम पोषक तत्व कहते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। इसमें से कोई भी चीज कमी होगी तो किसी न किसी प्रकार का बीमारी हो ही जाना है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में अधिक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि दूध में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, वसा अधिक होता है इत्यादि। ऐसे ही आप हरी सब्जी ले लो तो आयरन मिलेगा, साग ले लो, पत्तेदार सब्जियां ले लो तो आयरन कैल्शियम दोनों मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, बनाना ले लो उसमें भी आयरन बहुत सारा है, नींबू ले लो विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो ये सारे पोषक तत्व हैं। इन खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त जल एवं जो फोर पोषण तत्व होते हैं जिसका भोजन के रूप का बहुत ही विभिन्न अंग पाया जाता है, जो भोजन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये शरीर के विभिन्न क्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर के कई प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिसमें इसी प्रकार के ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों को हमारे दैनिक उपयोग की आवश्यकता मात्र के आधार पर पोषक तथा सूक्ष्म पोषक में वर्गीकृत किया गया। दो अलग अलग तरह के चीजों में आपको इसको वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये दो प्रकार के भागों में इसे बांटा गया है। तो ये था हमारा बहुत ही VVI पॉइंट्स। आइए हम जान लेते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो देखिए, विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना ऐसा आहार जो शरीर में पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध करवाता है, संतुलित आहार कहलाता है। समझ लीजिए, एक थाली है मेरे पास जिसमें हरी सब्जी है, दूध है, दाल है, दही है, घी है, चावल है, रोटी है, थोड़ा सा इसमें क्रीम है, इसके बाद इसमें केला है, कुछ अंडे हैं, चिकन है, मटन है, और ये अब इतनी सारी चीजें हैं। इसका क्या मतलब है? आपके शरीर में जो भी चीजों की कमी होगी वही सब चीजों से पूरी हो जाएगी। तो आपकी दुनिया के जितने भी तत्व हैं वो सब इसी में भरे। और ऐसे खाद्य पदार्थ यदि आप लेते हो तो आपका यही खाद्य पदार्थ संतुलित आहार कहलाता है, बैलेंस डाइट। बैलेंस का मतलब होता है एक ऐसा खाना खाना जिसमें किसी भी तत्व की कमी ना हो और ज्यादा भी ना हो, मतलब कमी के साथ साथ ज्यादा भी ना हो, मतलब ऐसा खाना जिसमें हमारे शरीर के जरूरत के हिसाब से वो सभी तत्व भरपूर मात्रा में शरीर को मिल जाए, वही बैलेंस डाइट कहलाता है। सरल शब्दों में जान लीजिए, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व तो व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में प्राप्त होता है। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह में 2 लीटर दूध पीता है, दोपहर में 2 लीटर दूध पीता है, शाम में 2 लीटर दूध पीता है और कुछ नहीं खाता है, क्या उसका वो बैलेंस डाइट होगा? नहीं। दूध ही सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, हमें रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, केला भी चाहिए, मछली भी चाहिए, चिकन भी चाहिए, मटन भी चाहिए, अंडे भी चाहिए, एप्पल भी चाहिए। तो ये सारी चीजों को मिलाते ही तो बैलेंस डाइट बनता है। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, क्या शाकाहारी आदमी को अंडा खिलाएं, क्या शाकाहारी आदमी को चिकन खिलाएं? नहीं, जरूरत नहीं है। प्रोटीन तो दूध में भी है, प्रोटीन तो बटर में भी है और प्रोटीन चिकन में भी है। तो शाकाहारी आदमी आपको पता है बटर लेगा और नॉनवेज वाला आदमी अंडा लेगा, चिकन लेगा। तो ये है संतुलित आहार, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सहायक होने के साथ साथ शरीर के ऐसे समय में भी पोषक तत्व तो उपलब्ध करवाता है जो विशेष कारण जैसे कि उपवास, बीमारी इत्यादि के कारण शरीर में जरूरी पोषक तत्व तो उपलब्ध न हो पा रहे। तो ऐसे समय में आपको ये सारी चीजें शरीर में मौजूद होता है जो आपको कम से कम बीमार होने देता है। अब इसके बाद क्या होगा कि आप तो उस दिन खाना खाओगे नहीं तो आप कमजोर हो जाओगे, लेकिन आपके शरीर में पहले से स्टोर है, आयरन स्टोर है, वसा स्टोर है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके शरीर को रुकने नहीं देगा, वो एनर्जी देता रहेगा और आपका सही सही तरीके से काम करता रहेगा। तो रूप से संतुलित आहार लेने से शरीर में कुछ आवश्यक पोषक तत्वों का भंडारण हो जाता है। यदि आप सही तरीके से
संतुलित आहार खा रहे हैं तो आपके शरीर में स्टॉक हो जाएगा। भंडारण समझते हैं ना, स्टॉक होना। हमने गेहूं का खेती किया, एक साल गेहूं खाया 100 किलो, और 200 किलो हमने भंडारित कर लिया अगले साल के लिए। जरूरी थोड़ी ना कि अगले साल हमारा फसल अच्छा ही हो। ऐसा ही हमारे शरीर में भी, हम प्रतिदिन सही खाना खा रहे हैं तो 2-4 दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। हमारा स्टॉक है शरीर में, भंडार किया हुआ है, उससे वो एनर्जी प्रोवाइड होता रहेगा। जिनका शरीर द्वारा विशेष परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है, बहुत ऐसी स्थिति जब आप फास्टिंग में हो, बीमार हो, आपको भोजन नहीं मिल रहा हो, आप कहीं दूर जा रहे हो, तो ऐसे स्थिति में आपका जो एनर्जी है ना वो शरीर को मेंटेन कर ले। देखिए अब यहाँ पे ये आरडीए जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरडीए के बारे में समझ लीजिए। अब आरडीए के अनुरूप उस आहार को भी संतुलित आहार कहा जाता है, क्योंकि उस आहार में तत्काल आवश्यकताओं के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा से पहले से जोड़ लिया गया। आरडीए जो है वो क्या कहता है कि तत्काल एट ए टाइम यदि आपको किसी भी प्रकार के भोजन की प्राप्ति हो रही है या उस भोजन से सुरक्षा प्राप्त हो रहा है तो आप इसे आरडीए के अंदर सम्मिलित करेंगे। अब संतुलित आहार का क्या क्राइटेरिया है, किन कारणों से संतुलित आहार कहलाता है उसे समझ लेते हैं। जिससे आहार ग्रहण करने वाले व्यक्ति की ऊर्जा की पूर्ति हो, शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो, उसे हम संतुलित आहार कहेंगे। जिसमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल उचित मात्रा में सम्मिलित होगा, उसे भी हम संतुलित आहार कहेंगे। शरीर में संचय किए जाने वाले पोषक तत्व तत्कालीन आवश्यकता से अधिक हो ताकि भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यदि प्रतिदिन आप संतुलित आहार का सेवन करते हैं तो कुछ ऐसे तत्व आपके अंदर भंडारित हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, जो तत्कालीन इमरजेंसी में आपको सहायता प्रदान करेंगे, आपके शरीर को मजबूती प्रदान करेंगे। ये VVI है, ये इस बार एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। RDA क्या है? तो देखिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसको हिंदी में कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखिए अब क्या होता है इसमें कि विभिन्न अलग अलग लोगों को जो अलाउवेंस है, उनके भोजन की जो सीमा है या उनको कितना भोजन करना चाहिए, उनका कितना भोजन में कौन कौन से चीजों को संलग्न करना चाहिए, किन किन चीजों को उन्हें प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए, इस सब का पूरा बायोडाटा है, जिसमें आपको आयु, वर्ग, लिंग, कार्य एवं विशेष परिस्थितियों से गुजर रहे भारतीयों को ध्यान में रखते हुए उन सभी वर्गों के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की दैनिक आर्थिक निर्धारण का ब्यौरा दिया गया है। विशेष वर्ग ऐसे लोग जिनको सही तरीके से भोजन नहीं मिल रहा है। देखा होगा आपने कि गांव वगैरह में जो महिलाएं गरीब होती है, कमजोर होती है, और वो अगर प्रेग्नेंट है तो सरकार की तरफ से आयरन गोली दी जाती है, पॉलिक एसिड दी जाती है, भोजन दिया जाता है, दलिया दिया जाता है, दाल दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपने आप को संतुलित आहार देके खुद को और अपने बच्चे को स्वस्थ रख सके। देखिए तो आरडीए यही निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को कितना भोजन किस मात्रा में उपयोग में लेना है। ये क्या करता है, अलाउंस देता है। अब समझिए बात को कि आयु के हिसाब से किस आयु के लोग को कितना भोजन चाहिए, पुल्लिंग को कितना चाहिए, स्त्रीलिंग को कितना चाहिए, काम के हिसाब से भी। अब कोई मजदूर है जो बहुत कड़ी मेहनत करता है, उसका डाइट थोड़ा अलग हुआ, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, अब मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं तो मेरा डाइट उतना हार्ड नहीं होगा, मेरा डाइट सॉफ्ट होगा। तो ये सारी चीजें आरडीए ही निर्धारित करती है। अब आरडीए क्या कहता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है न्यूनतम आवश्यकता, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी व्यक्ति के लिए। शरीर को विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से बचाने के लिए जितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम आवश्यकता कहलाती है। अब न्यूनतम आवश्यकता समझिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, शरीर को विभिन्न पोषक तत्व, अलग अलग पोषक तत्व है, अलग अलग पोषक तत्व की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उनसे बचाने के लिए जितनी मात्रा में पोषक तत्व की जरूरत होती है उसे न्यूनतम रिक्वायरमेंट कहते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट कहते हैं। मान लो एक इंसान है जिसके आंख की रोशनी कम हो सकती है यदि वो एक सप्ताह में विटामिन ए नहीं खाएगा, तो एक सप्ताह में जो उसे विटामिन ए दिया जा रहा है वही उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। खाने को तो वो 5-7 दिन खा सकता है लेकिन एक दिन तो उसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन वो नहीं खाएगा तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, तो वही इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या है कि ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अब हमारा होता है इसी में आगे कि भोजन में न्यूनतम आवश्यकता से कम मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करने से पोषक तत्वों की कमी के कारण व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, मतलब सप्ताह में एक दिन में अगर विटामिन ए नहीं मिला, एक संतरा नहीं खा पाया वो आदमी,
उससे भी कम उसको वो कुछ मिल ही नहीं रहा, वो रोग से ग्रस्त हो जाएगा, बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। इसी को हम मिनिमम रिक्वायरमेंट कहते हैं कि जो उसकी सबसे कम जरूरत है वो तो उसको पूरा होना ही चाहिए। अब है हमारा प्रस्तावित मात्रा, मतलब जितना उसको चाहिए उतना उसको मिलना चाहिए। जैसे कि न्यूनतम मात्रा में जब व्यक्ति की अवस्था तथा शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप पोषक तत्वों के कुछ अतिरिक्त मात्रा जोड़ दिया जाए। डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें तो भाई सुबह सुबह चना खाना ही चाहिए। हम आए घर, मम्मी को बताए कि चना खाने के लिए डॉक्टर बोला है। मम्मी बोली कल सुबह से हम फुला के दे देंगे। सुबह उठे, चना के साथ उसमें मूंग भी है। क्या है? मूंग भी है। डॉक्टर ने जो बोला, जो प्रस्तावित है, जितना हमें चाहिए, हमें डॉक्टर ने क्या बोला, चना खाना है, उससे हमारे शरीर में शक्ति आएगा। मम्मी ने उसमें मूंग भी डाल दिया। अब हम खाते ही मर तो नहीं जाएंगे। डॉक्टर ने जो बोला वो हमारे शरीर के लिए सही है, लेकिन मम्मी ने उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी डाला है जो और भी मेरे शरीर के लिए सही है। मतलब प्रस्तावित मात्रा से अधिक मिला, लेकिन वो जहर नहीं, हम मरेंगे नहीं। मूंग और चना खाया जाता है। तो यही है कि कुछ चीजें उसमें जोड़ दी जाए। हमने सलाद खाना शुरू किया तो अक्सर हम सलाद सिर्फ और सिर्फ प्याज का ही खाते हैं, हमें सिर्फ प्याज का ही सलाद पसंद है। लेकिन कहीं अगर दूसरे के यहाँ जाएंगे तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि भाई हमको प्याज चुन चुन के दो। हालांकि भोज भात में तो हम प्याज चुन लेते हैं, लेकिन किसी के यहाँ जाएंगे तो वहां खीरा, गाजर, चुकंदर, मटर, धनिया का पत्ता, मिर्ची सब मिलता है, सब खाना पड़ता है। तो उसमें उन चीजों को जोड़ने से उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, खराब नहीं होती। स्वस्थ और विशेष तत्वों की प्रस्तावित मात्रा हमेशा न्यूनतम मात्रा से अधिक ही होती है। तो ये प्रस्तावित मात्रा था, जितना हमें चाहिए उतना हमें प्राप्त हो रहा है, उसमें हम कुछ जोड़ जा के और खा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार का निर्धारण करते समय किन बातों को ध्यान रखा जाता है? तो देखिए, किसी भी खाद्य पदार्थों को संतुलित आहार का जो अगर बैलेंस डाइट है उसका निर्धारण करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हो। एक ही चीज नहीं खाना है, सिर्फ चिकन ही नहीं खाना है, सिर्फ सेब ही नहीं खाना है, सिर्फ रोटी ही नहीं खाना है। अलग अलग खाद्य पदार्थों को संतुलित आहार में सेवन में आप लाइए। सेब भी लीजिए, अंगूर भी लीजिए, चिकन भी लीजिए, मटन भी लीजिए, अंडा भी लीजिए, दूध भी लीजिए, केला भी लीजिए, सभी हरी सब्जी लीजिए, सब चीज को खाइए। इसमें सभी पोषक तत्व जो है वो आरडीए के अनुसार हो। संतुलित आहार तभी संतुलित आहार होगा जब आरडीए ने कहा कि इन सब चीजों को इतना होना चाहिए और भोजन में इतना है, तब वो आरडीए के हिसाब से संतुलित आहार कहलाएगा। इसमें सही अनुपात में पोषक तत्व शामिल हो। अब मान लो हम 5 किलो दूध ले लिए और एक केला उसमें डूब रहे हैं और उसको पी रहे हैं, क्या वो बैलेंस है? नहीं है। 5 किलो दूध के मतलब 5 दर्जन 6 दर्जन केला तो उसमें जाएगा ही, और वो एक आदमी का तो डाइट है नहीं, वो 4-5 आदमी का डाइट है। अब एक आदमी सिर्फ दूध ही दूध पी रहा है, अनुपात उसका सही नहीं है, उसमें चीनी नहीं डाल रहा, या फिर चीनी तो नहीं डालना चाहिए दूध में, ये तो चलिए मैं बाय मिस्टेक बोल दिया, चीनी में दूध मिला तो बिल्कुल ही मत पी। लेकिन और भी कुछ ले लो, अब सिर्फ भात भात खा रहे हैं, चावल चावल खा रहे हैं, ना दाल है ना सब्जी है, तो क्या वो ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब क्या है, इसमें पोषक तत्व हेतु अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा उपलब्ध हो। पोषक तत्व मतलब कि उसमें विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा सब होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए और बचाए रखने में ये मदद करता है, तभी ये संतुलित आहार होगा। लंबाई के अनुपात में अपेक्षित शरीर वजन को बनाए हुआ। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो काफी लंबे होते हैं लेकिन उनके शरीर में वजन नहीं होता, तो वो शरीर भी खराब लगता है। लंबाई के हिसाब से आपके शरीर में वजन भी होना चाहिए, तभी आप बैलेंस डाइट अगर नहीं करते हो तो ये सारी चीजें आपके अंदर हो सकती है। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 11 होम साइंस चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे समाप्त हो गया, जिसका नाम था भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य। देखिए, यहाँ पे जो पहला पार्ट था वो मैंने आप सभी को समझा दिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।